दोस्तों, कम उम्र में महिलाएं विधवा क्यों हो जाते हैं, इसका रहस्य क्या है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूं कि कुछ स्त्रियां विवाह के तुरंत बाद विधवा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अगर आपके मन में कोई शंका है तो निसंकोच होकर कहें। मित्रों, आगे माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मुझे विचलित कर रहे हैं, कृपा करके आप इनका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पूछो गौरी, क्या है तुम्हारे प्रश्न? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री विवाह होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण स्त्रियों को जवानी में विधवा होना पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है, पति के लंबी आयु के लिए स्त्रियों को कौन सा व्रत करना चाहिए। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, मैं तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें जब तक कथा सुनाऊं, तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी आरंभ करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह कथा मेरे प्रभु और भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के एक अवतार की है। तो सुनो, एक ब्राह्मण था जो पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था जिसका नाम सुधर्मा था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अकेला अनाथ ही एक साधु के साथ पला बढ़ा और शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्य सेवा में सैनिक का काम करने लगा। अभी तक उसका विवाह ना होने के कारण उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह जो कुछ भी धन कमाता था वह उसे सेना के भंडार में जमा कराता था। मित्रों, फिर एक दिन वामन नामक युवक उसी सेना में भर्ती हुआ। मित्रों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पहले ही दिन वामन सुधर्मा के साथ दोस्ती करता है। फिर जब उनकी दोस्ती और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तब वामन एक दिन सुधर्मा से कहता है, देखो भाई सुधर्मा, तुम्हारे पास जो संचित धन है वह उतना ही रहेगा। अगर तुम वह धन मुझे दे दो तो मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, हम इसे व्यापार में लगा देंगे और जो भी मुनाफा होगा तब मैं तुम्हें तुम्हारा धन ब्याज सहित वापस कर दूंगा। और जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो उस समय तुम मुझसे मांग लेना। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस तरह सुधर्मा ने अपना सारा धन वामन को व्यापार में लगाने के लिए दे दिया। फिर वामन उस धन को व्यापार में लगा देता है। व्यापार में सफलता मिलने लगी और वृद्धि होने लगी। और कुछ ही समय बाद वामन ने सेना को भी छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। पर एक दिन जब सुधर्मा ने अपना धन वामन से वापस मांगा, तब वामन ने उसे कुछ दिनों का बहाना बना दिया। फिर वामन अपने घर जाकर सोचने लगा कि अगर मैंने सुधर्मा को धन वापस दे दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरा व्यापार तो बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद वामन को पता चलता है कि सेना में लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरे राज्य के लोग इस राज्य पर हमला कर रहे हैं और सुधर्मा उनसे डट के मुकाबला कर रहा है। मित्रों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, तब वामन ने सोचा कि यही सही मौका है सुधर्मा को ठिकाने लगाने का। तभी वामन सेना के सेनापति के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप सुधर्मा का काम तमाम कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। धन का लालच पाकर सेनापति भी वामन के साथ मिली भगत करता है। और अगले ही दिन सेनापति को सूचना मिलती है कि 100 दुश्मन सैनिक जंगल की तरफ से हम पर आक्रमण करने वाले हैं। फिर सेनापति सुधर्मा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हे सुधर्मा,
जंगल की तरफ से दो खुफिया दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं। तुम जाओ और उनका सहार कर दो। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सेनापति सुधर्मा को दो दुश्मनों का झांसा देकर 100 दुश्मनों की सेना के सामने भेज देता है। जैसे ही सुधर्मा जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ दो दुश्मन नहीं, बहुत ज्यादा दुश्मन हैं। फिर सुधर्मा उन पर आक्रमण करता है और एक एक कर 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर भी सुधर्मा उन दुश्मनों से डरता नहीं है और डटकर उनका मुकाबला करता है। तभी 10 सैनिक पीछे से सुधर्मा पर हमला करते हैं और सुधर्मा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने मित्र के द्वारा धोखा देने से सुधर्मा वीर गति को प्राप्त हो गया। जब वामन को पता चला कि सुधर्मा मारा गया तो वामन बहुत खुश हुआ। वामन के मन में यह ख्याल आया कि अब उसे किसी को भी अपने धन को वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह सारा धन उसके व्यापार को बढ़ा देगा। दूसरे तरफ सुधर्मा के कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जिसे वह धन को वापस कर सके, इसलिए वह धन को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ ही दिनों के बाद वामन के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर वामन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहता है, प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है, मेरे पास अब खूब धन है, बड़े बड़े कारोबार भी हो चुके हैं और धन लेने वाला सुधर्मा भी गया। अब वामन बहुत खुश था और वामन मन ही मन में विचार करने लगा कि अब मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह शिक्षा पाकर काबिल समझदार व्यापारी बनेगा। उसने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब श्यामा जवान हुआ तो उसने खूब पढ़ाई की और वामन ने उस पर खूब सारा धन भी खर्च किया। फिर एक दिन श्यामा अपनी शिक्षा पूरी कर घर वापस आया तो वामन ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, वह बड़ा भी हो गया है और अब श्यामा मेरा सब कारोबार भी संभाल लेगा, अब हमें श्यामा का विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, वामन का बेटा श्यामा विवाह के योग्य होता है। उस समय उस नगर में सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यापन करने लगे थे। फिर एक दिन की बात है, एक बड़ा बलवान कुरूप दिखने वाला राक्षस आकर राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने कई लोगों को मार डाला था। तब राजा और उसके सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब राक्षस ने राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान तथा अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई। फिर एक रात में वह चुपके से उस राक्षस की गुफा में गई और रानी ने राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं अवश्य दूंगी। जब रानी राक्षस से अपने पति के प्राण लौटाने की भिक्षा मांगने लगी तब राक्षस ने कहा, यदि तुम रोज मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरी गुफा में भेज दोगी तभी मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगा। फिर रानी ने उस राक्षस की बात को स्वीकार किया और फिर रोजाना एक व्यक्ति उस राक्षस के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इस तरह और कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, हमें इस राज्य को बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। अपने मंत्री और प्रजा की बातों को मानकर राजा ने यह ऐलान किया कि अगर कोई इंसान उस राक्षस को मार देगा तो उससे मैं अपनी बेटी राजकुमारी से विवाह करवा दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। उसके बाद यह समाचार कई राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। जब यह सूचना वामन को पता चली कि जो भी उस राक्षस को मार देगा उसके साथ में राजा की बेटी का विवाह होगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा, फिर क्या था, वामन लालच में आ गया और उसने सोचा कि मेरा बेटा श्यामा यह काम कर सकता है जो कि युद्ध कौशल में निपुण है। यदि उसने राक्षस को मार दिया तो उसे राज्य भी मिल जाएगा। तभी वामन अपने बेटे श्यामा के पास जाता है
और उसे सारी बात बताता है। और श्यामा भी राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, श्यामा सीधे राजा के पास गया और राजा से कहा, हे राजन, मैं उस राक्षस को मार दूंगा, बस आप मुझे इतना बताइए कि वह रहता कहाँ है। फिर राजा श्यामा को उस राक्षस की गुफा का पता बताते हैं। गुफा का पता मिलते ही श्यामा जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था और गुफा काफी दूर थी, इसलिए वह थककर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने विश्राम करना चाहा, तो अचानक ही वह पेड़ बोलने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। श्यामा आवाज सुनकर डर गया। तभी पेड़ ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ पास की नदी से कुछ पानी लाकर दे दोगे? श्यामा ने पहली बार बोलते हुए पेड़ को देखा था। फिर श्यामा ने पेड़ की बात मान ली और पास ही में बह रही एक नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी मिलने से पेड़ बहुत प्रसन्न हो गया और उसने श्यामा से कहा, तुम अकेले इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? तब श्यामा उस पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। मित्रों, वह पेड़ एक जादुई पेड़ था। वह पेड़ श्यामा से कहता है, उस राक्षस के आतंक के कारण जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उसने कई जानवरों को नष्ट कर दिया है, तथा मैं भी उस राक्षस की वजह से काफी परेशान हूँ। सभी जानवर उसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि उसे समाप्त कर सके। आगे जादुई पेड़ श्यामा से कहता है, तुम मुझे बहादुर लग रहे हो, इसीलिए मैं बताता हूँ कि उस राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तब जादुई पेड़ श्यामा से कहता है, मेरे अंदर शिव जी का एक लिंग और दिव्य त्रिशूल स्वयं भगवान परशुराम ने रखा है। अगर तुम एक बार ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो, जिससे तुम्हें मेरे भीतर के दिव्य त्रिशूल प्राप्त होगा, उस त्रिशूल के प्रहार से ही उस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। तभी श्यामा पेड़ की बात सुनकर उस मंत्र का उच्चारण करता है, ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तभी श्यामा देखता है कि पेड़ में से दिव्य त्रिशूल प्रकट होता है और श्यामा उसे ले लेता है। मित्रों, शिव का त्रिशूल मिलने पर श्यामा गुफा की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है और जंगली जानवर भी यहाँ पर नहीं है। श्यामा को समझ में आ गया कि गुफा यही कहीं आसपास है, और थोड़ी देर खोजने के बाद श्यामा को वह गुफा दिखाई दे गई। श्यामा ने देखा कि वह राक्षस बहुत भयानक लग रहा था और उसने बहुत से लोगों को अपने पास पकड़ रखा था। तभी श्यामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे इस त्रिशूल की सहायता से राक्षस का वध करें। तभी राक्षस ने देखा कि श्यामा के पास वही त्रिशूल है जिससे उसका वध हो सकता था। तभी राक्षस उसके सामने अच्छे बनने का ढोंग करने लगा। श्यामा को भी उसका ढोंग समझ में नहीं आया, और तभी राक्षस श्यामा को मारने ही वाला था कि श्यामा ने उस त्रिशूल को राक्षस की छाती में अपनी पूरी शक्ति के साथ हर हर महादेव कहकर घोंप दिया। त्रिशूल के लगते ही राक्षस का वध हो गया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने श्यामा की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि श्यामा ने ही उन्हें राक्षस से बचाया था। मित्रों, उन सभी लोगों ने श्यामा की बहादुरी की बात राजा को बताई। तब राजा बहुत खुश हुए और अपने वादे के मुताबिक उस राजा ने अपनी बेटी विमला का विवाह श्यामा के साथ करा दिया और अपने राज्य का राधिकारी भी बना दिया। इस प्रकार से उस वामन के लड़के का विवाह उस राजा की लड़की के साथ हो जाता है। मित्रों, कहानी आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वामन के बेटे का विवाह उस राजा की बेटी के साथ होता है, और शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर पुत्रवधू पति के घर आती है, तब वामन की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई है, अब मेरा व्यापार मेरा ही बेटा संभालेगा और अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। वामन इतना सोच ही रहा था कि तभी श्यामा की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वामन का वह इकलौता बेटा था, अब तो वह वामन घबरा जाता है।
और अपने बेटे के पास दौड़कर जाता है और वामन बहुत बड़े बड़े विद्वान वैद्यों को बुलाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है, लेकिन दवा असर नहीं करती थी और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। सारा धन बर्बाद हो रहा है मगर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वामन के पास जो संचित धन था वह सारा धन वामन ने अपने बेटे की बीमारी में लगा दिया। फिर उसने अपना कारोबार, घर, खेती सब कुछ बेचा मगर फिर भी अपने बेटे को वह ठीक नहीं करा सका। वामन के पास कुछ नहीं बचा था। अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता है। अब यह कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन स्वयं राजा वामन के पास आते हैं और कहते हैं, समधी जी, आप एक काम करो, नगर में ही एक विद्वान संत रहते हैं, वह एक विशेष दवा देते हैं, उस दवा को खाकर कितना भी रोगी व्यक्ति हो वह तुरंत ही ठीक हो जाता है, आप जल्दी से जाओ और वह दवा ले आओ। मित्रों, फिर वामन राजा की बात को सुनकर उसी वैद्य के पास जाते हैं और दवा ले आते हैं। इधर वामन जैसे ही वह दवा श्यामा को खिलाता है वैसे ही श्यामा तुरंत ही मर जाता है। जब वामन के बेटे की मौत हो जाती है तो वहां उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है। उस समय राजा की बेटी भी, जो कि वामन की बहू बन गई है, वह विधवा बन जाती है। सभी लोग श्यामा का अंतिम संस्कार करते हैं और वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। अब वामन घर पर बहुत दुखी होकर रो रहा था, उसकी बहू भी रो रही थी और सारे नगर वाले भी बहुत दुखी थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय भगवान श्री विष्णु एक साधु का रूप धारण कर वामन के पास आते हैं और वामन से पूछते हैं, हे वामन, आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? तब वामन कहता है, महाराज, कल मेरे जवान बेटे की मृत्यु हो गई है तो इसी दुख के कारण मैं रो रहा हूं, अब मैं कैसे ना रूं, आप ही बताएं। तब विष्णु पुनः पूछते हैं, लेकिन आप खुद क्यों रो रहे हैं? वामन कहता है, अरे महाराज, मेरा बेटा मर गया है तो मैं कैसे ना रो। फिर विष्णु वहीं खड़े रहकर कहते हैं, पर आप उस दिन तो बहुत खुश थे। तभी वामन कहता है, महाराज, किस दिन? तब साधु कहते हैं, जब आपने अपने कारोबार के लिए सुधर्मा से धन लिया था और सुधर्मा की मृत्यु होने पर आप खुश थे। जब आपका मित्र सुधर्मा मारा गया था तब आपने सोचा था अब आपको किसी को धन नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो गए हैं। सुधर्मा ने तुमसे कितनी बार अपने धन को वापस मांगा था लेकिन तुम तब तक उसे बहाने बनाते रहे जब तक कि तुमने उसे मरवा ना दिया हो। यह बात सुनकर वामन हक्का बक्का रह गया। तब साधु कहते हैं, उस दिन भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हे वामन, एक बात बताओ, जब तुम इतनी बार खुश हुए थे तो थोड़ा सा दुख होने पर रो क्यों रहे हो? फिर श्री हरि ने वामन को उत्तर दिया, अरे सेठ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यह वही सुधर्मा था और अपना धन वापस पाने के लिए तेरे घर में तेरे ही बेटे के रूप में आया था, जिसका धन तूने अपने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब यह पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने उसके शिक्षा में खर्च किया, उसके श्रृंगार में खर्च किया, उसके विवाह में भी खर्च किया और फिर जो भी तेरे पास बचा था तूने उसकी बीमारी में धन खर्च किया, लेकिन अंत में तेरे पास सिर्फ 2 कौड़ी ही बची, वह भी राजा से उधार लेने के बाद तूने फिर उसी 2 कौड़ी की दवा लेकर आया था जिसे खाकर तेरे बेटे की मौके पर मृत्यु हो गई। अब समझ ले कि तेरे कर्मों का फल मिला है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वामन साधु से कहता है, लेकिन मुझे बताओ, मेरे घर में जवान पुत्र वधु थी, उसको जवानी में धोखा क्यों मिला और विधवा बनाया गया? आप बताओ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कैसे सुधर्मा के साथ धोखा किया था?
उसके क्या गुनाह थे जो उसे विधवा बनना पड़ा। मित्रों, वामन की बात सुनकर भगवान श्री हरि जवाब देते हैं, देखो जो तुम्हारी बहू है, जो राजा की बेटी थी, वह पूर्व जन्म में वही सेनापति था जिसने सुधर्मा को धोखे से युद्ध में भेजा था। उसने सुधर्मा के साथ धोखा किया और उसे युद्ध में मरवा दिया था। यही उसके कर्मों का परिणाम है। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कैसे कोई स्त्री शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है। जो भी मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है, उसे वैसा ही उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। जब एक महिला अपने पसंदीदा साथी को पसंद करती है, चाहे वह कैसे भी हो, और फिर वह उसे धोखा देती है, उसे ठगती है और अपने धर्म का पालन नहीं करती है, तो यह निश्चित है कि यदि वह किसी को बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि वह जवानी में धोखा देगी तो वह भी जवानी में ही धोखा पाएगी। हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।